हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ब्लैक ऑप्स। और कैसे हैं आप सब, उम्मीद करूँगा सही होंगे। और एक नए अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ हम आ चुके हैं एक बार फिर से आप सभी के लिए वीडियो लेकर। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये अनबॉक्सिंग होने वाला है। ये अनबॉक्सिंग होगा इस छोटे से डब्बे का। तो आप देख सकते हो कि जस्ट अभी अभी अमेजोन की तरफ से मेरे पास आया है। इसे पूरी तरीके से सील पैक है, अभी तक मैंने इसका सील ओपन नहीं किया है। और इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, अंदर से क्या निकलता है वो देखेंगे, उसके बाद फिर इसको टेस्ट भी करके देखेंगे कि आखिर अमेजोन से प्रोडक्ट आया है तो सही आया है या नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। ज़्यादा लंबा वीडियो को करूँगा नहीं, आप लोगों को बोर करूँगा नहीं। तो इसके पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, जल्दी से फटाफट से चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन आइकन ऑन पे, जिससे कि ऐसे अनबॉक्सिंग वीडियोज़ आप लोगों के लिए मैं जब भी लाऊँ आप लोगों तक सब पहले नोटिफिकेशन पहुँच। ऑलराइट, तो अमेजोन से ये डब्बा आ चुका है मेरे पास, चारों तरफ से सील पैक, कहीं से भी लीकेज नहीं है फिलहाल, बढ़िया है। बहुत दूर से आया, ये मुंबई से आया लगता है ये प्रोडक्ट। हाँ, स्टिकर पे तो मुंबई लिखा हुआ है। चलिए करते हैं इसको अनरैप, देखते हैं कि अंदर से क्या निकलता है। चिरपरिचित अंदाज में ये वही सीज़र है, टूटा हुआ सीज़र जिससे मैं हर एक अनबॉक्सिंग वीडियो बनाता हूँ, लकी है मेरे लिए। और चलिए करते हैं इसको अनरैप। एक तरफ से तो मैंने सील खोल दिया है, दूसरे तरफ से भी खोल दिया है। सीज़र का हो गया है काम और डब्बा गया है खुल। चलो सीज़र को साइड में रखते हैं। और अब इससे निकला है ए इनवॉइस और ये एक बॉक्स निकला है बोया का, माइक का ये बॉक्स। और बाकी डब्बे में कुछ नहीं, उसको साइड में रख देते हैं। तो ये निकला है डब्बा, बोया का है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ओमनी डायरेक्शनल माइक। उसके बाद यहाँ पे सेपरेट नॉइस रिडक्शन बटन भी दिया गया है, बहुत अच्छी तस्वीर दी गई है। क्लोज एंगल से आपको दिखाता हूँ, तो खड़ा भी होना पड़ेगा यार मुझे, खड़े हो जाते हैं आपको क्लोज एंगल से दिखाएंगे। अल्ट्रा कॉम्पैक्ट 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम, कंपैटिबल विद iOS डिवाइस ओनली। ये सिर्फ मैंने iOS के लिए मंगाया, अपने आईफोन के लिए मंगाया है। BYV1 सेपरेट नॉइस रिडक्शन बटन दिया गया है। प्रोफेशनल ऑडियो सॉल्यूशन नीचे दिखा हुआ है डब्बे के बॉटम लेफ्ट में, बहुत बढ़िया सी तस्वीर इसकी। और इसको अब हम थोड़ा सा साइड एंगल से भी देख लेते हैं साइड में क्या है। फ़ोटो दी गई है और एक बोया का एप्लीकेशन है, जो कि ये बारकोड दिया गया है। बारकोड से बोया का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, आप अपने साउंड सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। बैक साइड में अगर हम देखें तो बैक साइड में ये ओमनी डायरेक्शनल साउंड पिकअप, मतलब चारों तरफ से साउंड जो है आपको पिक करेगा ये माइक। टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट है, इस चार्जिंग पोर्ट से आप माइक को इंडिविजुअल चार्ज कर सकते हैं। 50 मीटर का रेंज है इसका, 9 आवर्स तक का बैटरी बैकअप है। माइक्रोफोन म्यूट भी कर सकते हो आप डिवाइस से। 360 डिग्री रोटेटिंग क्लिप है इसके साथ, हाई परफॉर्मेंस नॉइस रिडक्शन और ऑटोमेटिक पेयरिंग, मतलब फीचर रिच ये बोया का V1 माइक। प्राइस की बात करें तो डब्बे पे लिखा हुआ है 3550, लेकिन इसका जो मैंने अमेजोन से मंगाया है वो मंगाया है 2685 का। दूसरे साइड में देखें तो ये सिर्फ मेड फॉर आईफोन और आईपैड है, क्योंकि लाइटनिंग कनेक्टर के साथ आया है, आप एंड्रॉयड के साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं, ओनली विथ आईफोन। आप देख सकते हो मेरे मोबाइल में लाइटनिंग कनेक्टर है, मेरे पास 14 प्रो मैक्स है, ये सिर्फ इसी के साथ काम करेगा और आईपैड के साथ। दूसरी तरफ नीचे कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है, हमें ज़रूरत है नहीं। अब इसको अनबॉक्स करेंगे, ऊपर की तरफ देख रहे कि सील नहीं लगा हुआ है। यूजुअली डब्बे पर सील होता है, सील नहीं है। 2 साल की वारंटी ज़रूर लिखी हुई है इसकी। नीचे भी सील नहीं है, देख सकते हो आप, ऊपर की तरफ सील पैक नहीं है और ना ही नीचे की तरफ सील पैक है। यूजुअली होता है डब्बा सील पैक का। चलिए कोई बात नहीं, अब आ चुका है, अनबॉक्सिंग लाइव चल रही है, तो फिर इसको ओपन करेंगे। चलिए करते हैं ओपन। नीचे से खोल लिया, वेरी नाइस। चलिए यहीं से निकाल लेते। ओके, ये निकला है अंदर से। दूसरी बार अनरैप करने के बाद ये दो चीज़ें निकली हैं, एक बुकलेट बही खाता और फिर जो प्रोडक्ट जो मैंने मंगाया है। सबसे पहले ये टाइप सी केबल है चार्ज करने के लिए, उसके बाद ये रिसीवर सॉरी माइक बोया की ब्रांडिंग के साथ, और फिर एक कनेक्टर जो कि ये लाइटनिंग कनेक्टर है। आप देख सकते हो कैमरा भी गिर रहा है बे भैया, कैमरा ठीक करो। लोड
हाँ, तो ये लाइटनिंग कनेक्टर के साथ आता है, जो कि आईफोन के लिए मंगाया है सिर्फ मैंने, कंपैटिबल विद iOS डिवाइसेज ओनली। अब खड़े हो जाना पड़ेगा मुझे फिर से एक बार क्लोज एंगल से दिखाने के लिए। ये टाइप सी टू यूएसबी केबल है, आप इसकी मदद से माइक को चार्ज कर सकते हो, उसी के लिए दिया ही गया है। वैसे 2 घंटे लगते हैं चार्ज होने में, 9 घंटा चलता है उसके बाद। ये बोया की ब्रांडिंग बिल्कुल टॉप पर, ये माइक नॉइस कैंसिलेशन फीचर के साथ, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, टाइप सी का पोर्ट है फॉर चार्जिंग, और फोकस जो है बिल्कुल नीचे डब्बे पे किया हुआ है। ये ब्लू कलर का जो बटन है नॉइस रिडक्शन बटन है, एक बार प्रेस करेंगे उसके बाद ऊपर माइक फिल्टर दिया है। उसके बाद ये 360 डिग्री रोटेटिंग क्लिप, आप क्लिप को अपने अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कहीं भी लगा सकते हो, यूज़ करके शर्ट पे, कॉलर पे, कहीं भी लगा सकते हो। बोया की ब्रांडिंग एट द टॉप। और वहीं हम कनेक्टर की बात करें, जो कि ये लाइटनिंग कनेक्टर है, आईफोन में कनेक्ट होगा, आईपैड में कनेक्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ आईफोन आईपैड के लिए। बोया की ब्रांडिंग एट द टॉप, और फिर बैक एंड पे इसका एक बारकोड स्टिकर दिया है, कुछ इन्फॉर्मेशन ग्रेव्ड है इसके अंदर। ये आईफोन के साथ यूज़ होता है। और अब इसकी बड़ी बात ये है, एक फ़ीचर इसके साथ भी है कि आप ये कनेक्टर जो है मोबाइल पे कनेक्ट कीजिए, ऑटो पेयर हो जाता है। ये 3 चीज़ें डब्बे से निकली हैं। ये बुकलेट आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी कि कैसे आपको पेयर करना है, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे हम तो डायरेक्टली कर लेंगे, इसका कोई ज़रूरत है नहीं, साइड में रखेंगे। ये 3 चीज़ें डब्बे से निकली है। अब आगे देखते हैं इसके साउंड टेस्ट करके कि कैसा होता है, बने रहिए वीडियो में। तो गाइज, हम जो अनबॉक्स करने वाले हैं इस प्रोडक्ट को, आप देख सकते हो, अब तो मेरे पास अनबॉक्सिंग मैंने कर भी दी है। इस डब्बे को मैंने खोल दिया है, अमेजोन का ये डब्बा था, इसके अंदर से सिर्फ ये डब्बा निकला और इसकी एक रिसीट निकली। तो ये है वो प्रोडक्ट जिसे हम अमेजोन से मंगवाया, और इसका हम अभी करने वाले हैं ओपन बॉक्स यूज़ और इसकी अनबॉक्सिंग जिसे कहते हैं। फर्स्ट ईयर ऑफ अनबॉक्सिंग तो इसकी हो चुकी है, आप लोगों ने देख लिया। अब सेकेंड ईयर ऑफ अनबॉक्सिंग, इसके अंदर से प्रोडक्ट निकालेंगे, देखेंगे कि प्रोडक्ट इसके अंदर क्या है, और फिर इसको टेस्ट करेंगे कि ये सही से चलता है कि नहीं। ये है बोया के तरफ से आने वाला 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे ऑपरेट होने वाला एक वायरलेस माइक फॉर व्लॉगिंग और यूट्यूब के लिए, व्लॉगिंग के लिए एक अच्छे माइक की ज़रूरत होती है। तो बस ये मंगाया है मैंने, अब देखते हैं कि ये कैसा काम करता है, बने रहिएगा वीडियो। तो गाइस, कर लिया हमने अनबॉक्सिंग, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी, ये छोटा सा माइक बोया के तरफ से, मॉडल नंबर है V1। तो इस डब्बे पे भी मैंने पहले भी अनबॉक्सिंग के टाइम पे बता दिया, इसे मैंने किया है अनबॉक्स एंड अभी प्रोडक्ट मेरे हाथ में है, देख सकते हो। ये है रिसीवर, इसको हम एप्पल डिवाइस में सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, तो इसे मैं अपने आईफोन पे लगाऊंगा और फिर इसको मैं चेक करूंगा कि इससे आवाज़ कैसे आती है। आपको नॉर्मल माइक से भी, जिस माइक से अभी मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस ये तो आवाज़ आपको पता चल ही रहा है। अभी आगे मैं इस माइक से सबसे पहले बिना नॉइस कैंसिलिंग के चेक करूंगा कि आवाज़ कैसी है, आप लोग बताना कमेंट करके कैसी आवाज़ आ रही है, और फिर एक बार नॉइस कैंसिलिंग ऑन करके तो मैं चेक करूंगा आवाज़ की, आपको अब तक आवाज़ कैसे पहुँच, तो ज़रूर कमेंट करके बताना। बोया की तरफ से ये बहुत बेहतरीन एक माइक है, क्योंकि हर एक व्लॉगर को यूज़ करना चाहिए। स्टार्टिंग कर रहे हैं आप अगर अपने करियर की, या फिर आउटडोर में आप ज़्यादा व्लॉगिंग वगैरह बनाते हैं, वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो दिस इज़ अ मस्ट बाय फॉर यू। मैंने फर्स्ट टाइम लिया है, यूज़ करूँगा, रिव्यूज़ इसके बहुत अच्छे थे, मैं भी रिव्यू ही कर रहा हूँ, अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू, देखते हैं कि कितनी सच है, कितनी सच्चाई है अभी तक के इनके रिव्यूज़ में। लेट्स गो। तो इसको सबसे पहले ऑन करने के लिए सबसे पहले ये स्टिकर, ऊपर का जो ये बोया की जो ब्रांडिंग के ऊपर एक तो वो हटा दिया। अब ये लाइटनिंग केबल है, देख सकते हो, दिस इज लाइटनिंग केबल, ये सिर्फ और सिर्फ आप यूज कर सकते हो आईफोन के साथ, और इसके साथ भी एक टाइप सी चार्ज एक पोर्ट दिया हुआ है। इसको आप इंडिविजुअली अगर आप चाहते हो कि इसको लगा करके आप अपने फोन को भी चार्ज कर लो, तो आप इसके जरिए कर सकते हो। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये आईफोन, और अगर आपके पास एक कनेक्टर है, आप कनेक्टर को यूज़ करके इसको टाइप सी में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड देन आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। अभी मेरे पास 14 प्रो मैक्स है जिसके अंदर लाइटनिंग कनेक्टर है, अभी तो 15 प्रो मैक्स या 15 सीरीज जिसके पास है उसके पास तो टाइप सी ही है, लेकिन मेरे पास अभी 14 प्रो मैक्स है, इसमें लाइटनिंग केबल आप देख ही सकते हो। तो इसके अंदर ये जो रिसीवर है ये फ़ोन के अंदर जाएगा, तो मैंने इसको फ़ोन के अंदर लगा दिया है। फ़ोन के अंदर लगाते ही आप देख सकते हो नीचे ग्रीन कलर का जो बटन है वो ब्लिंक हो रहा है, दैट मीन्स कि रेडी टू पेयर है। सबसे पहला काम आपको यही करना है, अटैच करेंगे, देन आफ्टर इस माइक को
आपको ऑन करना है। ऑन करने के लिए नीचे वाला ब्लैक बटन है, तो आप 2 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो ये भी ऑन हो जाएगा। और सामने के तरफ, अभी मैं हटा देता हूँ, सामने के तरफ ब्रांडिंग के ठीक ऊपर एक छोटा सा, जो ये आप ये देख रहे हो, ये भी एक इंडिकेटर है। जैसे ये पेयर होगा ये सॉलिड ब्लू कलर का जल जाएगा एज पर तो ये गाइडलाइंस दी हुई है इस पेज के अंदर। चलिए इसको ऑन करते हैं, आपके सामने ही मैं ऑन करूँगा। 2 सेकंड प्रेस किया और ये देखिए ये ब्लिंक हुआ, एंड ब्लिंक होने के बाद स्टेडी ब्लू कलर का ये लाइट जल चुका है। और अभी आप फ़ोन में भी अगर देखोगे तो फ़ोन में पहले ये ब्लिंक हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इसे टर्न ऑन किया ये दोनों की लाइट्स जो हैं बिल्कुल स्टेबल हो गई हैं। ब्लू लाइट ऑन है, दैट मीन्स कि ये पेयर हो चुका है आपके फ़ोन से। अभी इसके साउंड टेस्ट करेंगे। साउंड टेस्ट करने के लिए अभी इसको अपने फ़ोन में अटैच कर लिया है मैंने, इसको अभी साउंड टेस्ट करेंगे, फ़ोन में रिकॉर्डिंग करेंगे साउंड की। आप लोगों तक आवाज़ कैसे पहुंचेगी उसको भी मैं अभी अलग से दिखाऊंगा, आप लोग खुद आवाज़ सुन करके बताना कि ये कैसा आपको आवाज़ लग रहा है। सबसे ओके गाइस, तो 3 तरीके की साउंड मैंने रिकॉर्ड करी है अभी इस बोया के माइक से। अभी जो मेरी आप आवाज़ सुन रहे हो वो मेरे इसी सेटअप पे जो बूम माइक लगा हुआ है उससे आप आवाज़ सुन रहे हो। अभी मैं बाहर जा नहीं सकता, रात का वक्त है और ज़्यादा भीड़ भी नहीं होगी, लेकिन हाँ साउंड टेस्टिंग के लिए मैंने 3 आवाज़ें रिकॉर्ड करी हैं। सबसे पहला आवाज़ जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ अभी वो है बोया के नॉर्मल माइक से, मतलब मैंने ये कॉलर वाली माइक लगा रखी है, ये नॉर्मल रूम के अंदर कुछ नहीं चल रहा है, रूम के अंदर अभी कुछ चल नहीं रहा है तो तब मैंने रिकॉर्ड की है। उसके बाद दूसरी आवाज़ जो आप सुनोगे, रूम में फ़ैन चल रहा है, फ़ैन की आवाज़ के साथ जो है आपको मेरी आवाज़ सुनाई देगी। और फिर तीसरा जो है वो नॉइस कैंसिलेशन ऑन करके मैंने आवाज़ रिकॉर्ड करी है जिससे कि सराउंडिंग साउंड्स नहीं आए। तो आप तीनों आवाज़ सुनिए और फिर कॉमेंट करके बताइएगा कि क्या नॉइस कैंसिलिंग वर्क कर रहा है बेहतरीन तरीके। और इसके बाद जब मैं लाइव व्लॉगिंग करूँगा, जब मैं बाहर कुछ भी करूँगा तो उस समय तो आपको, जब मेरी वीडियोज़ आएगी तो आपको दिखेगी। सबसे पहला साउंड आपको मेरी माइक से आएगा कुछ इस तरीके से। ऑलराइट गाइस, तो अभी जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो वो इस बोया से आ रही है। अभी इसका मैंने नॉइस कैंसिलेशन ऑन नहीं किया है, नॉर्मल मोड पे चल रहा है अभी। और अभी मेरे रूम में भी फैन वगैरह कुछ नहीं चल रहा है, बिल्कुल एक क्वाइट सा माहौल है। तो आपको मेरी आवाज़ कैसी आ रही है मेरे को कॉमेंट करके बताना इस वीडियो का। ये था गाइज बोया का माइक नॉर्मल मोड में विदाउट नॉइस कैंसिलेशन। अभी जो आवाज़ आएगी आपको वो बोया का माइक से विथ सराउंडिंग साउंड्स, फैन चलेगा, फैन की आवाज़ के साथ मैंने रिकॉर्ड किया है। आप लोग को डिफरेंस पता चलेगी, एक बार आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये जो आप आवाज़ सुन रहे हो नॉर्मल बोया V1 के माइक से आवाज़ आ रही है, नॉइस कैंसिलेशन इसका ऑन नहीं है और फैन बहुत तेज चल रहा है मेरे रूम के अंदर। आप लोग ऑडियो सुन करके बताइए कि क्या डिफरेंस है बिना। तो गाइज ये जो अभी आपने आवाज़ सुनी, आपको थोड़ा सा तो फैन के साउंड पीछे से आवाज़ आया, मुझे तो आया, आप लोगों को भी शायद आया ही होगा। ये था विदाउट नॉइस कैंसिलेशन इसी माइक से जो अभी मैंने यूज़ किया। अब जो तीसरी आवाज़ सुनोगे इसी माइक से है बट विथ नॉइस कैंसिलेशन। बस अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो ये मैंने अपना रूम का फैन ऑन कर दिया है, बहुत तेज नॉइज आ रही होगी या नहीं आ रही होगी आप लोग बताइए। बहुत तेज फैन चल रहा है, मुझे तो बहुत तेज आवाज आ रही है, बट नॉइस कैंसिलेशन ऑन है मेरे माइक्रोफोन। आप लोगों तक आवाज कैसी पहुंच, क्या बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है या फिर मेरी आवाज क्लियर आ रही है, इस ऑडियो को सुनकर कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइज ये 3 तरीके की साउंड मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करी, आप लोगों को सुनाया और आप लोगों को डिफरेंस पता चल ही गया होगा क्योंकि ऑब्वियसली मैंने रिकॉर्ड किया, मैं भी सुन ही रहा था जब मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा था तो मुझे तो डिफरेंस पता चला। और इसके नॉइस कैंसलिंग बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। अगर आप बिल्कुल लाउड जगह पर जाओगे, बाहर व्लॉगिंग वगैरह वीडियो शूट वगैरह करोगे तो उस कंडीशन में ये बहुत बेहतरीन रिजल्ट जो है कि आपको देने वाला है। अब ये नॉर्मल मोड में जब आप इसे यूज़ करेंगे तो ब्लू कलर की लाइट जो है वो जलेगी। अभी जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ
ये ब्लिंक कर रही है, दैट मींस कि अभी ये पेयर होने के कंडीशन में है, पेयर्ड नहीं है। पेयर्ड जब हो जाएगी तब ये रेगुलर जलेगी। एक बार फिर से मैं इसे निकाल के एंड देन ये मैं करता हूँ कनेक्ट। अब देख सकते हो फोन में भी ब्लू सॉलिड और माइक में भी, रिसीवर में भी ब्लू सॉलिड। अब ये नॉर्मल मोड में है। जैसे ही आप इसे नॉइस कैंसिलिंग ऑन करोगे उसके लिए क्या करना होगा, ये ब्लू कलर का बटन है टॉप के ऊपर, या इसे आप एक बार प्रेस करेंगे ये लाइट जो है टर्न हो जाएगा ग्रीन। अब देख सकते हो अभी आपको दिख रहा है कि नहीं, ये ग्रीन हो चुका है, दैट मीन्स कि नॉइस कैंसिलिंग ऑन हो चुका है। ये अभी ग्रीन है। अब चूंकि आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, बट मुझे तो ग्रीन दिख रहा है। और एक बार फिर से इसको ऑफ करना है, वन टाइम प्रेस करेंगे ये टर्न हो चुका है ब्लू। ये इसका नोटिफिकेशन। तो गाइज बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, 9 घंटे आप इसको यूज़ कर सकते हो। 2 घंटे का चार्जिंग टाइम होता है, 2 घंटे आप इसको चार्ज करो, उसके बाद 9 घंटे यूज़ करो। आप अगर 15-20 मिनट की वीडियोस बनाते हो और इसमें आप आराम से 5-6 वीडियोस ईजिली जो है आप बना सकते हो। 95 mAh की बैटरी है, यूज़ इट जितना मर्जी आप यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा आपको डेली बेसिस पे आपको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं कहता हूँ कि अगर आप डेली 2 वीडियोस बनाते हो तो 1 महीने तक चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। इसका बैटरी बैकअप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, 2 साल की वारंटी के साथ आता है। कुछ भी डिफेक्ट हुआ, अगर आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो, आप कंपनी में डायरेक्ट बात करोगे, आपको सपोर्ट मिलेगा। प्लस एक ऐप भी आता है, आप अपने ऐप में ऐप को डाउनलोड करो मोबाइल में, वहाँ से भी आप अपने वॉइस को मॉड्यूलेट और फिर कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस कर सकते हो। वो भी मैं दिखाऊंगा आपको अगले वीडियो में आएगा वो, कि आप फ़ोन में एप्लीकेशन कौन सा है, कौन सा ऐप आप यूज़ कर सकते हो, अपने वॉइस सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो इस माइक की। तो एट द एंड गाइस, मेरा रिव्यू इस प्रोडक्ट के लिए है कि मस्ट गो, मस्ट बाय प्रोडक्ट है। अगर आप एक इनिशियल स्टेज पे हो यूट्यूबिंग और व्लॉगिंग के, तो आप इसको परचेज कर सकते हो। लोकल भी है मेरे पास, आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ एट द एंड। ये लोकल वाला माइक है जो मैं पहले यूज़ करता था, इसमें नॉइस कैंसिलिंग नहीं है, इसमें वॉइस की क्लैरिटी भी नहीं है। इसकी रेंज जो है वो सिर्फ 20 मीटर्स की है, बल्कि इस बोया माइक की जो रेंज है वो 50 मीटर्स है। इतनी दूर चले जाओगे, एक व्लॉगिंग के लिए 50 मीटर्स बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मीटर की दूरी पर आप वीडियो शूट करते हो, तो उसके लिए ये बेस्ट है। गो फॉर इट, बाय इट, और कमेंट करके मुझे इस वीडियो के एंड में बताइए कि क्या आप इसे ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या अच्छा लगा इसमें, क्या बुरा लगा इसमें, क्या आपको ठीक नहीं लगा, या फिर अगर आप इन फ्यूचर बाय करना चाहते हो तो क्या आप बाय करोगे या नहीं करोगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। कैसा लगा आपको ये वीडियो, उम्मीद करूंगा कि अच्छा लगा होगा, ज़्यादा मैंने पकाया नहीं है। और मिलेंगे बहुत जल्द अगले व्लॉग में, अगले वीडियो में इस माइक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए।